लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब तक तो आ जाना चाहिए, लगता है सचमुच नाराज होगी। आप बात क्या करते हैं, जाने क्या समझता अपने आपको, नहीं सिखाना तो मत सिखाए। ठीक है, सीखना होगा तो अपने आप आके हाथ जोड़ेगी। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार। चलो चलो ठीक है, निशाने की तैयारी करो। मैं तो बाबा की वजह से आ गया, वरना वरना क्या, नहीं सिखाना चाहते तो मैं चली जाती हूँ। तो फिर यहाँ किस लिए आई हो? बंदूक सीखने आई, तुम्हारी डांट सुनने नहीं। मैं क्या तुम्हें डांट रहा हूँ? जोर से बोलना, डांट थोड़ी होता है शानू जी। अब कैसे जी बोला आपने? जी ओ, समझ गया जी। देखो जी शानू जी, सबसे पहले आप इस बंदूक जी को अपने कंधे जी से लगा के रखिए जी। हाँ जरा मजबूती जी से पकड़िए जी। अब इस डब्बे जी को देखिए जी, देखिए जी। ऐसे नहीं शानू जी, आप सिर्फ अपनी एक मोटी मोटी सुंदर सुंदर आग जी खोल के रखिए जी। आप निशाना लगाइए जी। और हाँ, अगर वो डब्बा जी छोटा हो जी तो एक ड्रम जी को ला के रख दो जी। अब निशाना लगाऊं जी या जी सुनती जाऊं जी? नहीं जी, लगाइए जी, लगाइए जी। शानू जी, निशाना तो ठीक लग गया जी। और बताओ अब किसे निशाना बनाओ? अब तो तुम जिसे चाहो निशाना बना सकती। बताओ ना। लो इसको निशाना लगाओ। क्यों डर लगता है? घबराओ नहीं, तुम्हारी गोली से मैं मरने वाला नहीं। नहीं नहीं, कोई और चीज बताओ ना। और चीज हाँ, वो लाल फूल नजर आ रहा ना, उसे उड़ा दो। नहीं फूल नहीं। क्यों? खूबसूरती बर्बाद करने के लिए नहीं होती। देखो तो कितना प्यारा लग रहा है। तुम्हें पसंद है? बहुत खूबसूरत है। अरे कहाँ चल रही है? फूल, एक फूल के लिए अपनी जान पे खेलने की क्या जरूरत थी? कहीं तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हें पसंद था ना, तो क्या मेरी पसंद के लिए तुम अपनी जान? शानू जी फूल तो अपने हाथों से लगा दो। कहाँ लगा दो? अमृत जी, जी यहाँ आइए। आजी एक बात बताऊं? बताइए जी। आजी बिल्कुल बुद्धू है। आज तो लगता है कि आप घर से किसी की जान लेने के लिए निकली हैं। लोग जो खुद ही अपनी जान देने चले आए
तो हम क्या करें? बात क्या है? आज बहुत खुश नजर आ रही हैं आप। क्यों, आप खुश नहीं? मैं, मेरा तो आज सर भारी है, सारी रात ठीक तरह से सो नहीं सका। क्यों? बस यूं मैं आपके सपने देखता रहा। मेरे सपने? क्या देखा आपने सपने में? जी मैं आपको बता थोड़ी सकता हूँ। ये क्या, मेरे सपने मुझे नहीं बताएंगे? क्यों, शर्म आती है? अच्छा ऐसा करो, मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। किसी को नहीं बताओगी? वादा? वादा। कल रात मैंने सपने में आपको आपको यूं उठाया और यूं घुमाया और जोर जोर से चिल्लाता रहा कि शानो मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, और अचानक तुम्हारे हाथ से निकल गया। अरे आप तो सचमुच गिर गई। ये भी कोई ढंग है? ऐसे प्यार करोगे तो मेरी हड्डी बकरी टूट जाएगी। माफ कर दीजिए जी, क्या है पहला पहला प्यार है ना, दो चार लड़कियों से प्यार कर लूंगा तो अपने आप सीख जाऊंगा। क्या जी? मेरा मतलब है आपसे, आपसे दो चार बार प्यार कर लूंगा ना तो। तुम्हारा प्यार बुद्धू, प्यार क्या होता है ये जानते भी हो? क्या होता है? प्यार इश्क होता है और इश्क करना बहुत मुश्किल। अमृत, मैं मानता हूं प्यार दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी भक्ति है, अगर उसमें सच्चाई हो तो। बाबा, अमृत नाम देकर आप ही ने डाकू शेर सिंह की जिंदगी का सारा जहर खत्म कर दिया। आप ही विश्वास नहीं करेंगे? मेरा यकीन मानिए बाबा, अब मेरे मन में कोई खोट नहीं, कोई मैल नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा, आओ मेरे साथ। बेटा डाकू शेर सिंह के कपड़े, जब मन का मैल धुल चुका है तब तन के गंदे चोले का क्या काम। लो जा, इसे अपने हाथों से फेंक दो, अपने आप से हमेशा के लिए दूर कर दो। जा जा। शानू, एक बात तो बता, तुझे भैया को सचमुच बहुत प्यार करती है? हाँ रानी, मेरे भैया हैं इतने अच्छे, उनसे कौन प्यार नहीं करता। तो मैं भैया से कहूँ कि तुझे जल्दी ब्याह के लिए आए? नहीं रानी, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। क्यों? मैंने कसम खाई है, तब तक अपनी मांग नहीं भरूंगी जब तक। जब तक पिताजी की मौत का बदला नहीं ले लेती। बदला? किससे बदला लेना है तुझे? उसी से रानी, जिसने मेरे पिताजी की जान ली, डाकू शेर सिंह।